ऐसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे जी की स्टार्टअप डॉट कॉम पोर्टल पर, लेकिन सुन के आज की डेट में आप गूगल देख के सक्सेस स्टोरी देख के जो प्रैक्टिकल है खुद उसने बोला, वो पिछले दिनों ईडीआई में आया था, उस वक्त भी वो एक्टिव रहा, उसने कहा ज़कात में दे दूंगा ये 1 करोड़ रुपये। ये भी इसका एक स्पोर्ट है, यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, इसने क्या किया, इसने का वो फीस नहीं खोली, ये मोबाइल आपने अगर ले जो वहाँ आंसुपाट वो हमसे खरीदेगा, हमारा जूस आंसुपाट ले लेगा क्योंकि वो प्योर होगा। तो उन्होंने देखा एक बेटी को कई फैलन देखे वो हो गई, अभी इसका अच्छा है हर जगह, उनमें आप अपना भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ लोकल के हिसाब से वो भी आपका एक बिजनेस इनोवेटिव आइडिया बन गया। आज हमने यहाँ एक रोज़ा प्रोग्राम किया था, यहाँ हमने अपने बच्चों के लिए जो हम करते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर, और जो डिफरेंट स्कीम्स हैं मिशन यूथ की या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, उनके बारे में हमने इन बच्चों को बोला कि आप जब कल कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो आप अपना वेंचर कर सकते हैं, उसके लिए सरकार की फाइनेंशियल स्कीम्स भी हैं और काउंसिलिंग मेंटरिंग और गाइडिंग के लिए आपके पास जेके ईडीआई है। तो हमसे जुड़े रहें, जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो अप्रूव होके हम उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हज़ारों बच्चों को जोड़ने की, जो उनके छोटे मोटे आइडियाज़ हैं, चाहे बिज़नेस आइडियाज़ हैं चाहे टेक्निकल आइडियाज़ हैं, उनमें जाके उनको ज़रूर गाइडेंस करेंगे। हमने एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, हमने इनक्रेज करना है एक टीचर को भी जो इस बच्चे को गाइड करता है इनोवेटिव आइडियाज़ में, वो हम पॉलिसी में रखने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे इनको हौसला अफजाई के लिए कुछ अवार्ड भी रखें और इनकी एक्सपोजर जो विजिट हैं ट्रेनिंग्स हैं उनका भी इनका किया जाएगा और करवा भी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ज़्यादा एक्टिवली कोशिश करेंगे आउटरीच करने की, बच्चों तक पहुँचने की, कॉलेज तक पहुँचने की, और हम चाहेंगे कि जब कल बच्चा यूनिवर्सिटी से निकले कॉलेज से निकले वो परेशान ना हो, उसके पास ये दिमाग में ऑलरेडी हो कि मुझे एक अपना बिजनेस करना है, अपने वेंचर करना है, मुझे जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना है। जी मेरा नाम अनम सिराज है। आई थिंक फैसिलिटेशन इट्स ये एक अप्रिसिएशन का एक इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड आई एम रियली हम्बल्ड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। माई जर्नी हैज़ बिन इट हैज़ बिन यू नो अब इट हैज़ बिन 7 years नाउ, आई थिंक 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, एंड आई रन अ क्लोदिंग लाइन, एक क्लोदिंग लाइन है मेरी श्रीनगर में, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई रन दैट लाइन हेयर। आइडिया बेसिकली मेरा आई वॉज आफ्टर कम्प्लीटिंग माई स्टडीज़ आई वॉज वर्किंग विद अ फर्म एक MNC एंड देयर यू नो आई यूज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे यू नो बहुत टाइम दे वर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और ऐसे ही एक दिन जस्ट एन आइडिया क्लिक्ड इन, यू नो मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि आप इतने घंटे किसी के लिए काम करते हो, आप इतने घंटे किसी को काम करके कमा के देते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, सो इफ़ आई डू इट फॉर माई सेल्फ, अगर मैं ये खुद के लिए करती हूँ तो इट वुड बी ग्रेट, एटलीस्ट द बेनिफिट्स आर ऑफ माई ओन और इसका फ़ायदा भी मुझे होगा एंड इट विल बी बिट सैटिस्फैक्शन, मतलब एक बिट ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई ओन, और वहीं पर दिस आइडिया क्लिक्ड एंड आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग। ईडीआई का बेसिकली आई वॉज मेरे एक यू नो अ कज़न ब्रदर, ही टोल्ड मी अबाउट ईडीआई, और फिर मैं यू नो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज माई पेरेंट्स दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मी कि वो मैं एक बिजनेस करूँ, दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड, तो आई वॉन्टेड टू लुक फॉर अ फाइनेंसिंग एजेंसी जो यू नो मेरे आइडिया को या मेरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे, सो देर दैट इज़ वेयर ईडीआई केम इन, आई केम टू नो अबाउट देम थ्रू समवन और फिर आई वेंट टू देम एंड दे गाइडेड मी थ्रू आउट, इनका पूरा गाइडेंस रहा एंड माई प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो फाइनेंस्ड बाई देम। आई थिंक अराउंड 40 to 50 पीपल आर वर्किंग विद मी ओवरऑल, इंक्लूडिंग माई वर्कर्स, माई कारीगर्स, माई यू नो द मैनेजर्स, द स्टोर मैनेजर्स, एवरी वन, आई हैव 40 to 50 पीपल हु वर्क विद मी। मेरा मैसेज यही रहेगा कि आई डोंट नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि बुटीक यू नो एक बुटीक बिजनेस इज़ वेरी सिंपल एंड गर्ल्स थिंक कि इसमें आना इज इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी, बट दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट एज एनी अदर बिजनेस जो आप करते हैं इफ़ यू डू इट फुल टाइम एंड इफ़ यू डू इट विद कन्विक्शन।
तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपको यू नो एज आई सेड अर्लियर एक यू नो यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया, चाहे वो मेरे बिजनेस के रिलेटेड हो या किसी और बिजनेस के रिलेटेड हो. यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया एंड देन फाइंड अ मेंटोर, चाहे वो फिर एक इंस्टीट्यूशन हो लाइक EDI या आपका कोई अपना मेंटोर हो. फाइंड अ मेंटोर हु विल गाइड यू थ्रू इट एंड यू गुड टू गो.